जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और अब हम बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे? हम बात करेंगे कि कई बार लोग जो होते हैं दूसरों का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, पर खुद का नहीं कर पाते, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में मेरे पास तो एक डायरेक्ट रेफरेंस है, गुरुजी ने मुझे इस पे गाइडेंस दिया था एक बार। मैं कॉपी पेस्ट आपको तुरंत सुना दूंगा कुछ मिनटों में, क्योंकि गुरुजी मेरे जैसे बहुत ज्यादा लंबे चौड़े एग्जाम्पल नहीं देते, शॉर्ट में समझाते हैं और टू द पॉइंट समझाते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो गुरुजी ने कहा कि जब भी इंसान किसी और के बारे में बात करता है या और के अनुभवों पे अपना अनुभव या सोल्यूशन देता है, तब वह चिंता मुक्त होता है। ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। और जब कोई गंवाने की भावना मन में नहीं होती, तब इंटेलिजेंस काम करता है। लिख लेना, लिख लेना, गुरुजी की वाणी है, लिख लेना। व्हेनेवर समवन, या फिर कोई चैट बॉक्स में डाल दे, है ना? तो वी हैव फ्यू टाइपिंग मास्टर्स, वो टाइप कर सकते हैं, है ना, अगर चाहो तो, या फिर लिख लेना। कि ये बहुत जरूरी है दोस्तों, पीस ऑफ माइंड है ना, वो हमारे इंटेलिजेंस को एक्सप्रेशन में मदद करता है। व्हाट्स द वर्ड? अगर मन मन में शांति है, पीस ऑफ माइंड है, मन में चिंता का अभाव है, चिंता नहीं है, फ्रेशनेस ऑफ माइंड है, फोकस्ड माइंड है, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें हेल्प होता है हमारे इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने में। एग्जाम्पल, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, है ना? तो जब आदमी की बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, तब क्या कहते हैं, क्रोध होता है तो सम्मोहित हो जाते, सम्मोहित हो जाए तो बुद्धि काम नहीं करते, बुद्धि काम नहीं करते तो इंसान की अधोगति हो जाती है। अब अगर मैटर मेरा है, एग्जाम्पल मेरी गाड़ी ठुक गई और मुझे पता चला कि अभी 2-4 लाख का उसको इंश्योरेंस लगना है, या जो भी है बिल होगा, 3 हफ्ते गाड़ी यूज करने को नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम आगे क्या करना है इसकी नहीं सोचते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं बनते हैं, मन में चिंतन करने की क्षमता जो मन की है वो भाग जाती है, और चिंता करने की प्रवृत्ति बड़ी हो जाती है। व्हाट्स द वर्ड? चिंता करने की। अब जब चिंता करने की वृत्ति बढ़ जाती है, चिंता करने की वृत्ति बढ़ जाती है, तो होता क्या है, चिंतन दूर हो जाता है, आदमी सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करता, प्रॉब्लम पे फोकस करता है, और दैट इज हाउ बड़े से बड़ा विद्वान भी खुद को सजेशन देने में नाकामयाब होते हैं। केवल वो प्रकार के लोग जो संयम रखते हैं, चिंता नहीं चिंतन करते हैं, वो खुद को भी सलाह दे सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट्स द वर्ड? इंट्रोस्पेक्शन करने वाले जो खुद के साथ अच्छे से बात कर रहे, संयम से बात कर रहे, चिंता नहीं कर रहे, वो खुद को बहुत अच्छा सजेशन देते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मान लो आपको मैंने 2 गॉगल दे दिए और आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो। व्हाट्स द वर्ड? नाइट ड्राइविंग कर रहे हो और मैंने आपको 2 गॉगल दे दिए। एक गॉगल है व्हाइट गॉगल, प्लेन गॉगल, चश्मे जैसा। किसी का है क्या यहाँ पे? एनीबॉडी विद स्पेक्स हियर? ओके, तो वी हैव वन। देखो, मान लो एक ऐसा गॉगल दे दिया आपको, प्लेन गॉगल, है ना? ओके, और दूसरा वाला गॉगल मैंने आपको दे दिया, वो दे दिया एकदम डार्क ब्लैक शेड का रेबन वाला गॉगल। ओके, तो ये देखो, ये खेलने वाला, यू नो दिस इज अ डार्क वन। ओके, तो यस, एंड वी हैव वन मोर गॉगल, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हैव अ लुक। सो यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं, तो ये कौन से कलर का है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट यस, बट इसमें से आदमी भ्रमित हो सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन, आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो और आपने ये वाला गॉगल पहन के ड्राइविंग शुरू की, क्या होगा, क्या होगा? रास्ता दिखेगा नहीं, एंड हो सकता है या तो आप आगे ना बढ़ पाओ, आगे बढ़ो तो किसी और के जीवन के लिए या खुद के जीवन के लिए खतरा बन जाओ, है ना? नाउ जस्ट इमेजिन, एक विद्वान व्यक्ति है, एक मजा हुआ ड्राइवर है, रात्रि का समय है, ड्राइविंग को निकला, काला गॉगल चिंता का पहन लिया, हाउ वुड ही और शी गाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ? वो खुद को नहीं गाइड कर पाएगा ना। तो बात विद्वत्ता की नहीं है दोस्तों, बात विद्वत्ता की नहीं है, गुरु जी की वाणी है, कृपया इसको ध्यान दे, इसको समझने का प्रयास करें कि पीस
पीस ऑफ माइंड, पीसफुल माइंड हेल्प्स यू एक्सप्रेस योर इंटेलिजेंसेस। तो अगर आपको, यानी इनफैक्ट मैं तो एक लाइफ कोच हूँ, टीनेजर्स की कोचिंग करता हूँ, और जब भी मेरे पास कोई केस आती है, जब भी मुझे कोई पेरेंट्स आके बताते हैं, तसा तो होशियार है पर काय चाल रहे माहित नहीं, ऐसा एक कॉमन डायलॉग आता है। तो हिंदी भाषी को के लिए मैं बताऊंगा उसको ट्रांसलेट करके कि पेरेंट्स आते मेरे पास, वैसे ना तो वो बहुत होशियार है, किंतु ऐसा किंतु लगा कि वो डायलॉग बोलते हैं। ओके, तो फिर मुझे एक एक ही समझ में आता है, बच्चा अच्छा ड्राइवर है, सिर्फ उसका काला गॉगल निकालो वो अच्छे ड्राइविंग शुरू कर देगा, है ना। यस, नॉलेज है बट उसके एक्सप्रेशन के लिए उसका मन भटका हुआ है, पीसफुल माइंड नहीं है। अब जस्ट इमेजिन करो, मान लो सामने कोई है गाड़ी, ऑडी गाड़ी है, और ठुक गई, है ना, उसको जो भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई एडमिट हो गया वगैरह वगैरह, और मैं एज अ थर्ड पार्टी जा रहा हूँ, तो मुझे पता है वो एक्सीडेंट में जिसको लगा है वो अगर मर भी गया तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है ना। गाड़ी रिपेयर होगी नहीं होगी, रिप्लेस होगी, पार्ट होगा, इंश्योरेंस होगा नहीं होगा, मेरा क्या जाने वाला है। तो फिर तो मैं ज्ञानी हूँ कि जैसे ऐसे बैठूंगा ना जाऊंगा, अरे अथर्व चल रिलैक्स हो जाए, चल चाय पीते, अब हो गया सो हो गया, उसको क्या कर सकते हैं भाई मेरे, हो गया ना, अब आगे क्या करना है उसका जरा सोचते, है ना। और अगर उल्टा हो गया तो, अगर मेरी गाड़ी ठुक गई तो फिर अथर्व इंटेलिजेंट बनेगा, हर से सर आप तो जानते हो कर्मों पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, नियति तो होनी ही होनी है ना, चलो चाय पीते, है ना, देखते आगे क्या होगा, जो होना है हो क्या रहेगा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। एंड आई टेल यू दोस्तों, जीवन के प्रति भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं, अटैचमेंट सब दुखों का कारण है। भगवत गीता अगर आप ठीक से पढ़ो तो इट्स ऑल अबाउट अटैचमेंट, डिटैच करोगे तो बेटर गाइड कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बताता हूँ, स्पेशली टीनेजर्स की ममास जो होती है ना, मम्मी, टीनेजर की मम्मी, ओके, वो सारी दुनिया के टीनेजर को सीधा कर सकती है, खुद के घर के एक को छोड़ के। कितने लोग एग्री करते हैं, टाइप करे आए है ना, क्योंकि जैसे ही वो घर में देखेंगे अपने बच्चे को देखेंगे ना, बस पूरी भविष्य की चिंता, जैसे खुद को ही एक विराट रूप में देख लिया, भगवान विष्णु बोले तेरा भविष्य मैं ही निर्माण करने वाली हूँ है ना। और दूसरे के बच्चों को, अरे यार क्या है, ठीक है 10वीं नहीं 12वीं में सीरियस होगा, 12वीं में नहीं डिग्री में सीरियस होगा, कभी तो होगा, क्या लोड लेते हैं, है ना। दूसरों को ज्ञान नहीं है, एटलीस्ट यू आर सो लकी कि बिहेवियर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, संगत अच्छी है, बुरी आदतों में फंसा नहीं है, खुद के बच्चे को परफेक्ट बनाते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यही एक कारण है, यही एक कारण है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग जब खुद के जीवन में संकट आते हैं भ्रमित हो जाते, भ्रमित हो जाते, और जब दूसरे के जीवन में कुछ भी होना, इवन आई विल टेल यू, मेरे जैसे अज्ञानी लोग, मैं तो रोहित शर्मा को कल एक सजेशन दे दिया, अरे अभी तो सीनियर बन जा, यू आर इन टू मिड 30s नाउ, केयरलेस शॉट खेल रहा है। अब रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसकी जो उसने कल आउट हो गया नैथन लियोन के बॉलिंग पे, मैं हाईलाइट्स देखता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं देखता आपकी जानकारी के लिए, मैं बट आई वॉच हाईलाइट्स, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट, थैंक्स टू सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा एंड द डिपेंडेबल राहुल द्रविड़, मिस्टर डिपेंडेबल। ओके, तो जैसे उसके शॉट देखे मैं बोला यार तू तो सुधर, अभी विराट भी उधर नहीं है, धोनी रिटायर हो चुका, अभी यू आर वन ऑफ द सीनियर पीपल, जिम्मेदारी से खेलो। अब मैं सजेशन दे रहा हूँ किसको, रोहित शर्मा को, जो कि इंडिया के यानी जग के हाईएस्ट, जैसे कहते हैं रिचेस्ट बोर्ड के A+ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर में से है, कौन, रोहित शर्मा, और उसको मन ही मन हमने सजेशन दे दी, क्यों, मेरा क्या जा रहा है घर पे बैठे सजेशन देने में। अगर मैं वो वहां पे गाबा पे खेल रहा होता, मेरे सामने लॉयर होता, तो पता नहीं मेरा क्या दिमाग चलता। तो आसान होता है दोस्तों, आसान होता है सलाह देना। और यहाँ पे मैं एक मेथड बताता हूँ, अभी हर व्यक्ति, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर आपकी आपका इंसान का देह है तो ये होना स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक भी है, यानी इंसान चिंता करता है क्या होगा, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग,
अब इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज माइंड ट्रेनिंग। क्या माइंड ट्रेनिंग? कि इंसान पहले तो माइंड को ट्रेन करे टू फोकस नॉट ऑन प्रॉब्लम बट टू फोकस ऑन सॉल्यूशन। तो कहाँ फोकस करना है? सॉल्यूशन पे। अब धीरे 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 ये ट्रेनिंग आगे बढ़ सकती है। अब इसके लिए सिंपल बात क्या है पता है? व्हेनेवर यू फील कि आपके आपकी पर्सनल यानी बॉडी डाउन हो रही है या थॉट्स की एनर्जी डाउन हो रही है, खुद को सिर्फ ये सवाल पूछना, कंसिस्टेंटली ये सवाल पूछता है, व्हाट एम आई फोकसिंग ऑन? मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूँ? एम आई फोकसिंग ऑन सोल्यूशन और एम आई फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम? एंड वट एवर वी फोकस ऑन क्या होता है? टाइप करें, लेट मी सी। ओके, पता तो चले कोई सीख रहा है यहाँ पे, है ना? जय श्री कृष्णा। तो थैंक यू, रियली अप्रिशिएट रूमा, देन भाग्यश्री, देन रश्मि मैम, अथर्व एंड और कौन है, जेके जेके डी सर, रुचा बेटा, देन तन्वी बेटा, रचित। सो वट एवर वी फोकस ऑन एक्सपांड्स। तो इसको मन मन को इसकी ट्रेनिंग देनी है, मन को इसकी ट्रेनिंग देनी है, जरूरी है, आया ना? यस, ये ट्रेनिंग देनी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है, व्हेनेवर यू फील लाइक कि सॉल्यूशन मिल नहीं रहे, दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जब भी आपको लगे कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो करना क्या है? किसी ज्ञानी को पूछो सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है। ओके, हो सकता है आपको एक और ज्ञानी के पास जाना पड़े, या हो सकता है आपको एक और ज्ञानी को पूछना पड़े, या हो सकता है आपको एक और ज्ञानी को पूछना पड़े, या हो सकता है आपको एक और ज्ञानी को पूछना पड़े, या तो हो सकता है आपको किसी और ज्ञानी को पूछना पड़े, या फिर हो सकता है आपको किसी और ज्ञानी को पूछना पड़े। इसके अलावा भी चांसेस है कि आपको और किसी ज्ञानी को पूछना पड़े, है ना? तो जब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जब भी जीवन में शंका के बादल छाए, जब भी जीवन में शंका के बादल छाए, जब भी मन में लगे कि निगेटिविटी बड़ी हो रही है, जब भी मन में लगे कि हमें मार्ग नहीं मिल रहा, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, ओके, जब भी ऐसी कोई चीज जीवन में हो तो हमें करना क्या है? एक अच्छे गुरु का गाइडेंस पाना है, एक अच्छे गुरु का गाइडेंस प्राप्त करने की कोशिश करनी। एंड आई विल टेल यू, ये ऑलरेडी, ये जो मैंने लिखा है ना, इसे बुक्स कहो, धर्म ग्रंथ कहो, मैं तो इसे लाइफ कोचिंग मैनुअल्स कहता हूँ। आई कॉल देम एज लाइफ कोचिंग मैनुअल। ये देखो, ये मेरी बेटी रह नहीं पाती, ये भी है संत तुकाराम महाराज। सो आई हैव ऑल ऑफ देम, सभी संतों के साथ ही रहता हूँ मैं, कुछ इधर है कुछ इधर है ना? तो वहां पे हमें क्लियर गाइडेंस मिलता है करना क्या है। अगर मेरी मेरी मति भ्रष्ट हो गई तो एटलीस्ट उनकी तो ठीक है, उन्होंने तो ऑलरेडी लिख रखा है ना। और इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसमें से हर एक इसमें किस परिस्थिति में क्या बिहेवियर होना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, पहले से लिखा रखा है, तो चिंता ही नहीं है, है ना? तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जब हमारा फोकस सॉल्यूशन पे होता है तो हम चिंतन करते हैं, क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो जो चिंतन करता है वो सलाह दे सकता है, ज्ञान बांट सकता है, और जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पे है तब हम चिंता करते हैं, और चिंता करने वाला अधोगति को की तरफ बढ़ जाता है। हाय आना, शो ऑफ हैंड्स, यस। तो दैट इज अ की एंड यही होता है कि इंसान हर किसी के लिए ज्ञानी है और खुद के लिए अज्ञानी है। बहुत आसान है मेरे लिए यहाँ पे बैठे बैठे आपको बताना कि सुबह सुबह 5 बजे उठो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह, और कल की बात मैं बता रहा हूँ, एंड आई हैव नो शेम इन शेयरिंग। कल करीब करीब
7-8 बजे मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, 7-8 बजे, यू नो, अर्ली मॉर्निंग। और उसका एक रीजन भी था कि अनुष्का सो रही थी, मेरी छोटी बेटी, 7-8 बजे। तो ये सब 5 AM क्लब वगैरह सब हो गया एंड शी वॉज स्लीपिंग। तो मैं भी आया, बैडमिंटन निपटा के आ गया। मैं उसको देखा तो मैंने बोला यार चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ मॉर्निंग में, 7-8 बजे है ना। तो मैंने अनु को बोला, अनु बेटा क्या चल रहा है? नहीं, बोले पापा मेरे को थोड़ा आराम करना है। तो मैं बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक 15-20 मिनट आराम कर लेता हूँ। अब मेरी एक आदत है, मैं जब भी खाली बैठ जाता हूँ ना या टाइम पास के मूड में आता हूँ, मैं बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बजा देता हूँ। समटाइम्स ज्ञानेश्वरी, समटाइम्स दास बोध, समटाइम्स भगवद गीता, ये सब तो आपके पास सब पता है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है ना। कुछ भी बैकग्राउंड में लगा दो, कुछ ना हो तो हमारी 3 मेडिटेशन है, ओम चैंटिंग है, ओम नमो वासुदेवाय है, ब्लिसफुल मेडिटेशन है, फिर बहन शिवानी जी का मेडिटेशन है, फिर कृष्णा फ्लूट तो अमेजिंग है। तो हमने कल लगा दिया कृष्णा फ्लूट 20 मिनट के लिए, कर लिया आराम, है ना। इसे इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ये होता रहता है ना, ये होता रहता है। बट इम्पोर्टेंट बात ये है, किसी को ज्ञान देना आसान है, समझना आसान है, खुद पे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, कंटिन्यूअसली एनर्जेटिक रहना, पॉजिटिविटी में रहना, पॉजिटिविटी पे फोकस करना आसान नहीं है, निगेटिविटी है ना, ऐसे जैसे कहते हैं ना बहुत हाई स्पीड में ट्रेवल करती है निगेटिविटी और इजीली अट्रैक्ट करती है। ओके, तो हमें उससे बचना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी स्वयं भगवान ने कहा है 18वां अध्याय श्लोक 36 में, कि वो शुरुआत में तो विष जैसा लगता है, तो इजीली अट्रैक्ट नहीं होते। तो हमें कॉन्शियस, डेलिबरेट, यानी विचार पूर्वक एक जैसे कहते निर्णय लेना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी को बने रखना है, उसके साथ बने रखना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी बात करते, 5 AM क्लब में ज्ञान तो अच्छा मिलता है लोगों को, उसमें तो कोई शंका नहीं है, बट उसके लिए 5 बजे उठना पड़ता है ना। अभी क्षितिजा का मैं आपको बता देता हूँ, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। अब वो 4:50 4:52 को एंट्री कर देती है, एंड दिस हैज हैपेंड आफ्टर वन ऑफ माय लेक्चर्स। ये मेरा बिहेवियरल एनालिसिस है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने बीच में एक दिन भाषण दिया था कि जो 5:03 को या 2 मिनट को आ सकता है, वो 4:55 को भी आ सकता है ना। और उसके बाद बहुत सारे लोग ना समय पे आने लगे, यू नो, एक दिन तो मैंने वेटिंग रूम भी लगा दिया था। तो दोस्तों कैसे होता है, सबसे पहले तो स्वीकार भाव होना चाहिए, इंसान है, नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है। तो अननेसेसरी प्रेशर ना डाले खुद पे। इनफैक्ट मैंने मेरी बड़ी बेटी को एक प्रिंसिपल सिखाया था, और वो प्रिंसिपल मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगा। सो जस्ट जानकारी के लिए, शी इज निशा, ओके, बड़ी बेटी है मेरी। और वो जो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, जो मैंने उसके साथ शेयर किया था, वो प्रिंसिपल ये है, रिस्पेक्ट द सिग्नल्स योर बॉडी इज गिविंग। आपकी बॉडी अगर आपको कोई सिग्नल्स दे रही है तो उसको रिस्पेक्ट दे। मतलब क्या है? और कृपया इसे राइट सेंस में ले, इसका कोई गलत फायदा नहीं उठाना है जो मैं बात करूं। मतलब क्या है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, आपकी बॉडी आपको कभी कभी बोलेंगे आई एम फीलिंग फ्रेश, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो लग जाओ किसी बड़े काम में। कभी कभी आपकी बॉडी आपको कहेगी कि मुझे थोड़ा सा ना ब्रेक चाहिए, आई नीड सम रेस्ट, तो दे दो रेस्ट उसे। रिस्पेक्ट योर बॉडी सिग्नल्स, रिस्पेक्ट योर बॉडी सिग्नल। नाउ एक बड़ा स्टार, यू नो स्टार, हाउ मेनी ऑफ यू नो स्टार? सो मैं आपको एक स्टार दिखाना चाहूंगा, स्टार, हियर वी गो। तो यस, इसे कहते हैं स्टार। ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो एक बड़ा स्टार मैं लगाना चाहूंगा, और वो स्टार ये है, अगर आपकी बॉडी रोज 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 सिग्नल दे, तो समझ लेना कि आपको फिटनेस बढ़ाने की जरूरत है और बुरी आदत से छूटने की जरूरत है।
नहीं तो रोज सुबह मुझे मैसेज डालेंगे डालेंगे कि आरसी सर मेरी बॉडी आज कह रही है 2 घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट ले। ना तो वो नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बात के प्रति भी सजग रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे देर आर टाइम्स है ना कि आपकी बॉडी कहते हैं ओके आई नीड अ ब्रेक, मुझे ब्रेक चाहिए, तो यार फॉर अ चेंज आप करो, बट उसको चीट डे ना बनाओ, चीट डे ना बनाओ। चीट डे मतलब छुट्टी लेनी ही नहीं है, मेरा प्रिंसिपल है छुट्टी लेनी ही नहीं। बट अगर आप एक दिन वो दिन बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो हो सकता है आपको 3 दिन बॉडी कंपल्शन में छुट्टी में लगा दे। कई सारे लोग ना हल्की बीमारी जो होती है उसे क्या कहते हैं बॉडी पे निकालते हैं, है ना, यानी हल्का सा कुछ इधर उधर है टेक केयर नहीं करते और बाद में उसकी बड़ी पेनल्टी दे देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक सजेशन है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग फोर्सफुली बैठ जाते हैं सामने, है ना, इट्स ओके इट्स ओके, अगर आपकी बॉडी आपको साथ दे रही है तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या करे स्वीकार करे, बॉडी के सिग्नल्स को ठीक से समझे, और अगर जरूरत है, अगर जरूरत है ओके तो स्टेमिना बढ़ाए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, आई यूज टू बी एबल टू फोकस समथिंग लाइक 11 आवर्स, कभी कभी 12 घंटे दिन में मैं अच्छा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता था, 2017-18 की बात, एंड इट टुक मी 2-2.5 ईयर टू क्रॉस द 14 आवर मार्क्स। 2.5 साल तक मैंने खुद पे काम किया, खुद का 8 किलो वजन कम किया, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन ज्यादा किया, अब मैं कंसिस्टेंटली 14 आवर प्लस कंसंट्रेट कर पाता हूँ, मेरा एवरेज दिन 16 घंटा चलता है अभी ओके। एंड ये स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा, कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है कि आरसी सर को कुछ भी टॉपिक दो वो बात कर पाते हैं उस पर, तो मेरे पास दो बम्पर बोनसेस मुझे मिले हैं जीवन में, दो बम्पर बोनसेस, एक जो मैंने खुद को गिफ्ट दिया है, बड़ी मेहनत करके मैंने स्टैमिना बिल्ड किया है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड की है, एंड भगवान की दया है आज तक तो किसी ने मुझे अलग रूप में नहीं देखा, मैं हमेशा फ्रेश नजर आता हूँ, फोकस नजर आता हूँ, ऐसे ही नजर आता हूँ, आप मुझे कभी डाउन मूड या डाउन फोकस नहीं देखोगे, क्या देखा है किसी ने कभी? नहीं, थैंक यू, अप्रिशिएट योर फीडबैक, तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। इसका रीजन क्या है, बैकएंड में जो काम चलता है रोज 1-1.5 घंटे का बैडमिंटन जो चलता है, 2-3 घंटे का मेडिटेशन जो चलता है रोज, कम से कम यानी जिसे कहते हैं ना 1-2 घंटे का रीडिंग जो चलता है ओके वो जरूरी है। मैं हमेशा बताता हूँ, इनफैक्ट मेरे कई सारे शिष्यों को, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज्यादा सुनता हूँ या पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे, बराबर है, नहीं तो मटका खाली हो जाएगा ना। अगर मान लो पानी निकालना चालू है पर भरना चालू नहीं तो क्या होगा, खाली हो जाएगा मटका। एंड दैट इज वेयर वी नीड टू बिल्ड ऑन आवर सेल्फ आवर स्ट्रेंथ्स। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे रुकने का समय आ गया है। तो ये दूसरी बात है, जब आपको लगे कि आप दूसरों के मामले में ज्ञानी और खुद के मामले में अज्ञानी हो तो फर्क है चिंता और चिंतन का, प्रॉब्लम का फोकस निकाले सोल्यूशन पे डाले, जिसका फोकस सोल्यूशन पे वो ज्ञानी है और जिसका फोकस प्रॉब्लम पे है वह अज्ञानी है, उसे चिंता ने ग्रस्त कर रखा है। और हमेशा थ्योरी याद रखे, डार्क गॉगल ना पहने चिंता के अगर नाइट ड्राइविंग करनी है तो, है ना। एंड जय श्री कृष्णा, एंड लेट मी हैंड ओवर द सेशन टू क्षितिजा बेटा, ओवर टू यू क्षितिजा बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस। यस थैंक यू सर। एंड जिन्होंने भी ये टॉपिक दिया था उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर द अमेजिंग टॉपिक्स। एंड थैंक सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सिंसियर ग्रेटिट्यूड। यस सो आगे बढ़ते हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अथर्व सर टू प्लीज कंटिन्यू विद पोल अलाइनमेंट।
Yes, thank you sir for your guidance and yes, that for gold diaries, apni hard-won gold diaries lijiye. Yes, thank you everyone. अब कृपया अपने गोल्स को ध्यान से पढ़िए. आपके वन मंथली, वन ईयरली और फाइव ईयरली गोल्स को ध्यान से पढ़िए.